इस ईद हो आपकी हर मुराद पूरी, कभी न रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, परिवार में सभी के बीच बढ़े प्यार, न आए कभी एक दूसरे के बीच दूरी, गले मिलिए खुशियां मनाइए। भारत में आज ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां मस्जिदों में नमाज अदा कर अपनी दुआ मांगी और फिर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। मीठी ईद कहा जाने वाला ईद उल फितर का पाक त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश भर में सामाजिक सौहार्द के साथ मुस्लिम समाज अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। घरों में सजावट और बाजारों में रौनक है। मीठी सेवइयां, लजीज पकवान के तो क्या ही कहने। लोग एक दूसरे को मुबारक के साथ साथ गिफ्ट भी दे रहे हैं। आज ही सऊदी अरब समेत खाड़ी मुल्कों में भी ईद मनाई जा रही है, जिसके आधार पर कुछ मुल्कों को छोड़ बाकी दुनिया की मुस्लिम आबादी अगले दिन ईद मनाती है। सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, बहरीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत जैसे मुल्कों में आज यानी कि 10 अप्रैल को ही ईद मनाई जा रही है। करीबन 30 से 35 हजार लोग यहाँ आज जमा हुए थे ईद की नमाज पढ़ने के लिए। सूरत के और इसके आसपास के गांव के लोग यहाँ जमा हुए थे ईद उल फितर की नमाज के लिए। अब अपने घर पे जाकर अपनी फैमिली से ईद की खुशियाँ मनाएंगे और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ दे रहे हैं हम, और देश में कौमी एकता का माहौल रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामना है। यहाँ पे तकरीबन 40 से 45 हजार लोग जमा हुए। ये ईद उल फितर का दिन है। ईद उल फितर के दिन यहाँ पे रांदे ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है और यहाँ पे काफी सारा मजमा यहाँ पे ईद की नमाज अदा करता है। तो मैं भारतवासियों से यही कहना चाहूंगा और उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ देश में कौमी एकता का माहौल बना रहे, तो बस यही मेरी दुआ रहेगी। ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से अनजाने में हुए गुनाहों की माफी मांगते हैं। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को रमजान के दौरान ही पवित्र कुरान का शुरुआती रहस्य यानी कि दिव्य सत्य पता चला था। मुसलमान रमजान के पूरे महीने रोजा करने और शक्ति और साहस देने के लिए ईद के दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ईद उल फितर एक महीने की लंबी आध्यात्मिक यात्रा के अंत का उत्सव है, जो मानव जाति में विश्वास, प्रेम और करुणा को बढ़ाने पर जोर देता है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुसलमान सहर से इफ्तार तक रोजा रखते हैं। इस दौरान मुसलमान अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, रोजाना कुरान भी पढ़ते हैं, एक महीने तक सख्ती और संयम के साथ रोजा पूरा करते हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। रमजान में कठिन रोजा रखने के बाद रोजदारों को ईद की खुशी नसीब होती है। मेरा नाम सुहेल है और आज जामा मस्जिद पे ईद की नमाज पढ़ी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हजारों लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की है। लोग पूरे 30 दिन के रोजे रखने के बाद आज ईद की तैयारी में लगे हुए थे, जिसकी नमाज जामा मस्जिद पे अदा की गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये हमारा जो है बहुत अच्छा त्यौहार है। साल में दो ही बार आता है बस, और ईद पे सब नए कपड़े पहनते हैं और हम हर साल जो है जामा मस्जिद में ही आते हैं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल रहता है और यहाँ पर काफी अच्छा फील होता है नमाज पढ़ के। जी, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह को सजाया गया है। खरीदारी के लिए भी बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी है। लोग अपने मन पसंद कपड़ों के साथ बच्चों के लिए खिलौने खरीदते नजर आए। वहीं ईद उल फितर के मद्देनजर देश में कड़ी सुरक्षा भी देखने को मिल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे गले मिले। प्यार और भाईचारे का पैगाम इन मासूम बच्चों ने एक दूसरे को गले लगा कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने और शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में नमाज अदा की। शाहनवाज हुसैन संसद मार्ग स्थित एक मस्जिद पहुंचे। शाहनवाज के साथ उनके बेटे भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की एक दरगाह में नमाज अदा की। ईद के मुबारक मौके पर मैं पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि
आज के दिन सबको गले लगने का दिन है, सब लोग मिलजुल कर ईद मनाएं, ईद की खुशियां सबके ज़िंदगी में आए और इस मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, ये मुल्क आगे बढ़े। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पूरे एक महीने तक लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े के साथ साथ इबादत करते हैं, और ये महीना एक तरह से दुआओं का भी महीना है, दान का भी महीना है और दानिश वर्दी का भी महीना है। उसके साथ ही साथ जो है वो मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया के सभी मज़हबों के मानने वाले रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जितने भी दुनिया के मज़हब हैं, और हर मज़हब के मानने वालों का पर्व होता है, त्यौहार होता है और सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। तो मैं ईद के इस मौके पर पूरे सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ये ईद हमें खुशहाली के साथ साथ मेरे मुल्क की तरक्की, मेरे मुल्क के तहफ़ और सुरक्षा मजबूत करे, इसकी दुआ है। बहुत बहुत आप सब मुबारकबाद। ईद क्षमा, दया और उदारता का प्रतीक मानी जाती है, और दुनिया में पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैह असलाम की तौबा कबूल हुई थी। दूसरी ईद उस रोज मनाई गई जिस रोज हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैह असलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस दिन रोज हजरत इब्राहिम अलैह इस्लाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। आज भी दुनिया भर के शिया और सुन्नी मुसलमान इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक अपने अपने तरीके से ईद मनाते हैं। इस मौके पर श्रेष्ठ भारत की ओर से आप सभी को ईद मुबारक।